नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दुनिया में महामारी बने कोरोना को काबू करने के लिए हर कोई नई नई तकनीक ईजाद कर रहा है। ऐसे में सिंगापुर ने फूक के द्वारा कोरोना टेस्ट को मंजूरी दी है। मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विकसित करने वाले स्थानीय स्टार्टअप ने बताया है कि सिंगापुर के अधिकारियों ने अस्थायी रूप से कोविड-19 सांस लेने वाले परीक्षण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य एक मिनट से भी कम समय में यह पता लगा है कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS की एक स्पिन ऑफ कंपनी ब्रिथोनिक्स ने कहा कि वह अब स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर मलेशिया के साथ शहर की सीमा में से एक पर ट्रायल चलाने के लिए काम कर रही है। वर्तमान कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्ट के साथ सांस विश्लेषण किया जाएगा। कंपनी ने पिछले साल कहा था कि सिंगापुर स्थित पायलट क्लिनिकल परीक्षण में सांस परीक्षण ने 90% से अधिक सटीकता हासिल की थी। स्वास्थ्य विज्ञान प्राधिकरण की वेबसाइट ने मंजूरी की पुष्टि की, जिसके बारे में कंपनी ने कहा कि यह सिंगापुर में अंतिम प्राधिकरण को सुरक्षित करने वाली पहली ऐसी प्रणाली है। सिस्टम डिस्पोजेबल माउथपीस का उपयोग करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि कोई क्रॉस संदूषण ना हो। उपकरण में फूकने के बाद तकनीक या निर्धारित करने के लिए सांस के रासायनिक यौगिकों का आकलन करती है कि कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। कंपनी ने कहा कि पॉजिटिव जांच गए किसी भी व्यक्ति को एक पुष्टिकरण पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR कोविड-19 स्वाब परीक्षण से गुजरना होगा। ब्रिथोनिक्स ने कहा कि वह मजबूत व्यावसायिक हितों का हवाला देते हुए इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए कई स्थानीय और विदेशी संगठनों के साथ चर्चा कर रहा है। इंडोनेशिया और नीदरलैंड सहित अन्य देशों ने भी इसी तरह के सांस परीक्षण शुरू किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।